बिल्कुल श्रेया को इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर संघर्ष करेंगे। ये आपको तय बता रहे हैं कि श्रेया को इंसाफ मिलेगा और ये स्पष्ट होगा कि उसकी हत्या हुई है या सुसाइड किया गया। जिस समय ये सत्ता में थे, 17 महीने का समय इनको मिला था, 17 महीने में लोग पूरा सरकार के खजाने को लूटने का काम किया, कोई लोग नहीं बचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह दिए हैं कि जांच मजबूती से होगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन लोगों ने आरजेडी को पूरी तरह सिरे से नकार दिया है। लोग ये मान लिए हैं कि जब जब आरजेडी सत्ता में आती है बिहार में जंगल राज लाती है और बिहार में राम राज लाना है, नीतीश कुमार जी के सुशासन को स्थापित करना है, कभी भी जंगल राज नहीं आने देना है ये लोग। तो एनडीए की सरकार बदनाम नहीं होने वाली है, मजबूती से जनता के हित में काम करती है और आगे मजबूती से वापस आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब जितनी भी पार्टियां हैं सभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। समीक्षा बैठक भी की जा रही है ये देखने के लिए कि आगे क्या सुधार हो सकता है और कई ऐसी सीटों से जिन्हें क्षति पहुंची है, हानि हुई है, उन सीटों पे कैसे इस बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करें। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू सर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव होने वाली है और तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त से हम लोग निकलने वाले हैं और विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू कर दी है। वो तो हमेशा निकले ही रहते हैं तेजस्वी यादव जी, लोकसभा में पूरा निकल के दिग्भ्रमित करने का काम किए, पूरे गलतफहमी पैदा किए, अफवाह फैलाए तरह तरह का, लेकिन लोगों ने आरजेडी को पूरी तरह सिरे से नकार दिया है। लोग ये मान लिए हैं कि जब जब आरजेडी सत्ता में आती है बिहार में जंगल राज लाती है, अपहरण लूट हत्या बलात्कार का माहौल होता है बिहार में, इसलिए आरजेडी को पुनः मौका देने वाले लोग नहीं हैं। लोग मन बना के बैठे हैं, जिस तरह से लोकसभा में खारिज कर दिया गया, हम लोग 75-80% सीट जीते हैं, उसी तरह विधानसभा में भी लोग मन बना के बैठे हैं कि हर हाल में एनडीए की सरकार को रिपीट कराना है और बिहार में राम राज लाना है, नीतीश कुमार जी के सुशासन को स्थापित करना है, कभी भी जंगल राज नहीं आने देना है, ये लोग मन बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन सर, इस बार लोकसभा चुनाव में देखे तो एक मजबूत विपक्ष बनी थी। कहाँ पर मजबूत विपक्ष हुआ? तो कह रहे थे कि हम 30 सीट जीत रहे हैं, 35 सीट जीत रहे हैं, कह रहे थे कि हम लोग एनडीए का खाता नहीं खोलने देंगे, तो खुद का खाता खुलते खुलते किसी तरह खाता खुला है और पूरी तरह जनता नकार दिया है। जितना अफवाह फैलाए, कोई अफवाह फैलाना इनका काम नहीं आया। कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, लेकिन मोदी जी तो पहले 10 वर्ष से थे, कहाँ संविधान बदल दिए, कौन सा आरक्षण खत्म कर दिए, पुनः प्रधानमंत्री हो गए तब किस दिन आरक्षण खत्म होगा, पूछिए उनसे, उनसे ये ज़रूर सवाल करिए आप लोग। आप कहते थे मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जी आ गए हैं, आप पूछिए कि कब खत्म होने जा रहा है संविधान, कब बदलने जा रहा है ये विषय। तो सबसे बड़ी बात है जनता इन लोगों को खारिज कर दिया है, अब कहीं ये लोग का जगह नहीं है, ये लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सर, नीट पेपर लीक को लेके एक बार फिर से सियासत गरमा गई है, हलचल मच गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आए दिन कई ऐसे बातें सामने आ रही है। देखिए, एनडीए की सरकार मजबूती से चल रही है और जब इनको जनता ने खारिज किया तो फिर ये लोग साजिश करने में लग गए और एनडीए सरकार को बदनाम करने का ये कोशिश है। उनके पर्सनल पीए भी इस बड़े मामले में इन्वॉल्व हैं, सब पे जांच चल रही है, कोई लोग नहीं बचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह दिए हैं कि जांच मजबूती से होगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जिस समय ये सत्ता में थे, 17 महीने का समय इनको मिला था, 17 महीने में लोग पूरा सरकार के खजाने को लूटने का काम किया। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट किए हुए हैं कि जो लोग लूटे हैं कोई नहीं बचेंगे और इस चीज़ से ये लोग बेचैन हैं, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं और तरह तरह का षड्यंत्र करते हैं कि एनडीए की सरकार कैसे बदनाम हो। तो एनडीए की सरकार बदनाम नहीं होने वाली है, मजबूती से जनता के हित में काम करती है और आगे मजबूती से वापस आएगी। लेकिन सर, विपक्ष तो बोलेगी ही, क्योंकि अभी सम्राट चौधरी का भी एक तस्वीर सामने आया है जिसमें अमित आनंद के साथ वो दिखाए जा रहे हैं, फिर नीतीश कुमार की भी आज एक तस्वीर सामने आई है जिसमें संजीव मुखिया की पत्नी के साथ उन्हें दिखाया गया है। देखिए, तस्वीर किसी का किसी के साथ
मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन अगर हमारा पीए कहीं इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब हम इन्वॉल्व हैं, तो इनका तेजस्वी जी का पीए इन्वॉल्व है, तब तेजस्वी जी से पूछिए ना कि भाई आपका पीए से इन्वॉल्व है, क्यों नहीं कार्रवाई बोल रहे हैं, इस पर तो कुछ बोलिए। तस्वीर लोग ऐसे घूमते रहते, खिंचाते रहते हैं, कोई चोर डकैत क्रिमिनल भी किसी के साथ जाके फोटो खिंचा लेता है, हम लोग पूछ नहीं पाते, रोक नहीं पाते, लोगों को किसी के सर पर नाम नहीं लिखा होता है, लोग कहते हैं विधायक जी फोटो खिंचाएंगे, मंत्री जी फोटो खिंचाएंगे, हम लोग मना नहीं कर सकते, भाई चलो ठीक है खिंचा लो, लेकिन अगर हमारा कोई पीएस होगा उसको, वो तो ऑथेंटिक आदमी होगा, उसको तो हम समझ के रखेंगे, अगर हमारा पीएस गड़बड़ कर रहा है इसका मतलब हम दोषी हैं, तो तेजस्वी जी के पीएस इन्वॉल्व है इसका मतलब तेजस्वी जी दोषी हैं, उन पर भी ये जाँच का दायरा आएगा। जब मांग चल रही थी कि सीबीआई की जांच हो, तैयार हो गए, जब सीबीआई टीम पहुंचती है तो लोग आक्रमण कर देते हैं सीबीआई टीम पर। देखिए जो आक्रमण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, लोग जो सीबीआई का मांग करें सीबीआई जांच कर रही है, सरकार ने सीबीआई को दिया और सीबीआई मजबूती से जांच करेगी, कोई दोषी नहीं बचेगा। लेकिन सर उन लोगों पे आक्रमण हो गया, कई ऐसे और भी बातें सामने आ रही है, कौन ऐसा हिम्मत करेगा कि दोबारा सीबीआई की जांच करने जाए? जो सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई को क्या दिक्कत है, सीबीआई मजबूती से जांच करेगी और जो भी लोग इस आक्रमण में या किसी चीज में इन्वॉल्व है कोई नहीं बचेगा, सब लोग जेल जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा, श्रेय हत्याकांड मामले को लेके आप खुद वहां गए थे सर, 7 दिनों का समय दिया गया था, वो समय भी बीत गया लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, मुख्य अपराधी को भी नहीं पकड़ा गया है। देखिए पहले तो वहाँ कोई अपराधी आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, वहाँ भेग इसी इशू हो गया था कि ये सुसाइड है या हत्या है, फिर हम लोग जाके वहाँ बात किए, कई लोग का सस्पेक्ट में गिरफ्तारी हुई है, जो जिन लोगों का संभावना व्यक्त किए लोग उनकी गिरफ्तारी हुई है, विशेष जांच चल रही है, मुझे लगता है कि 2-4 दिनों के अंदर ये जाँच नज़दीक पहुँच गया, मैं हाल में भी अधिकारियों से बात किया हूँ, लोग जाँच के करीब है, जाँच मजबूती से चल रहा है, बहुत जल्दी इसका पता चल जाएगा कि भाई कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है या सुसाइड है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब श्रेया को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल श्रेया को इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर संघर्ष करेंगे, ये आपको तय बता रहे हैं कि श्रेया को इंसाफ मिलेगा और ये स्पष्ट होगा कि उसकी हत्या हुई है या सुसाइड किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए नीरज कुमार बबलू जी, जिनसे हमने कई ऐसे सवाल पूछे विधानसभा चुनाव के बारे में, नीट पेपर लीक के मामले में और श्रेय हत्याकांड मामले के बारे में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे देशवाणी, धन्यवाद।